मैं जा रही हूँ अपने चाचा के घर। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। कोई है घर पे? चले गए सब? अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई मेहमान हूँ इधर? मैं बैठ। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और इस वक्त देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो जी, मैं अभी तक हूँ अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों में वापस इंशाल्लाह कराची चले जाऊंगी। कराची का मौसम सुनने में आ रहा बहुत गर्म है, ऐसा ही मौसम यहाँ पर भी है भाई। इस्लामाबाद में भी कोई ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है और बारिश भी नहीं हो रही है। रोज मैं ये इंतजार करती हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बहरहाल अभी मैं तैयार हो रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ अपने चाचा के घर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। अभी तैयारी शैरी करेंगे, दिन भर हम घर में ही रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कोशिश करते हैं कहीं बाहर ना जाएं। शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है, मगरिब की अजान हो गई है, अब हम तैयार हो रहे हैं और आज हम जाएंगे अपने चाचा के घर। तो बस अब तैयार होते हैं और उसके बाद निकलते हैं। सो लेट्स गो। मेकअप मेरा हो गया और बस ये नेल पॉलिश मुझे फ्रेश करनी थी क्योंकि ये थोड़ी खराब हो गई। बस नेल पॉलिश अब फ्रेश करूंगी। मैं लगा रही हूँ ये कलर ब्राउन। मैं कराची से सिर्फ ब्राउन कलर ही लेके आई थी, ब्राउन कलर मैट में, और ब्राउन कलर ही मैं लाई थी शाइन में। यहाँ से मैंने बहुत ज़बरदस्त मैनीपेडी जब करवाया था ना, तो बहुत अच्छा कलर उन लोगों ने मुझे लगाया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने उसको हटा दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर वो बुरा लग रहा था। तो जी बस ये नेल पॉलिश भी डन हो गई। जब नेल पॉलिश ड्राई हो जाएगी, कितना प्यारा लग रहा है ना ये कलर, ब्राउन कलर, बस ये लगाऊंगी और उसके बाद बस हम थोड़ी देर में निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई है? अस्सलाम वालेकुम। नौमी उधर चले जी, ये हम आ गए हैं। अब हम अंदर चलते हैं। चाचा से तो मेरी मुलाकात हो गई, अब अंदर बाकी लोगों से मिलते हैं। ये एक और आ रहे हैं, ये देखें जी, ये मेरे कजन आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ बाकी सारे? हेलो हेलो हेलो, किधर है सारे भाई? हेलो हेलो, कोई है? कोई है घर पे? चले गए सब? हेलो। चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बैठी है मेरी चची और टीवी देख रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कहाँ है बाकी सारे? हेलो, चले मैं ऊपर जाऊँ। नीचे तो यहाँ पे सन्नाटा है खूब, क्योंकि देखे सबकी हो चुकी है शादियाँ और सब है अपने अपने ससुराल में, तो कोई भी कसम फिलहाल मुझे यहाँ नजर नहीं आई है। अब मैं जरा भाभी के कमरे में जाती हूँ, उधर कौन है? देखती हूँ यहाँ पे था सब। किधर है सारे? अच्छा, आपका भी सेम है सारा? ये कुछ पक रहा है मुझे लग रहा है। माशाल्लाह, यहाँ पे इतना सन्नाटा है पूरे घर में, किधर है सारे? पढ़ाई हो रही है, कोई आ जाओ। बड़ा सन्नाटा है भाई, खामोशी। चलो इंतजार करती हूँ मैं सबका। तो मैं आ रही हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। एक पीस आ गया भाई, एक तो बच्चा मुझे मिल गया। बाकी बच्चे कहे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, मैं खुद क्यों ना जाऊं। मैं उनको बोलो मैं खुद आ रही हूँ। हाँ चलो भाई, मैं कोई मेहमान हूँ इधर, मैं बैठूं ड्राइंग रूम में, खुद जाऊंगी मैं। ये बच्चे तो वॉशरूम में छुप गए मुझे देख के। और अम्मा गए तुम्हारी? वॉशरूम में, सारे वॉशरूम में। अच्छा मैं कैमरा बंद करती हूँ ताकि सारे नजर आए मुझे। ये देखे जी, दो 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 बच्चे आ गए और उनको ये पता ही नहीं है मैं उनकी लगती क्या हूँ। कौन हूँ मैं? हमें क्यों नहीं पता? मैं फुप्पो हूँ तुम्हारी, फुप्पो पता है, फुप्पो हूँ। हाँ तुम्हारे पापा की बहन हूँ, कजन हूँ उनकी। ये होता है बहुत अरसे बाद मिलना के बच्चे पहचानते नहीं। चलो आज आज मम्मा गए मम्मा किचन में। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? है क्या याद है तुम्हें? पप्पा है। चलो इधर देखो, मेरी बात सुनो। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे, तब मैंने आपको अपनी गोदी में उठाया। अब तो आप थोड़े से बड़े हो गए हो, आपको याद है? क्या याद है? क्या नाम है मेरा? चलें जी, खाना लग चुका है और आज हम डिनर में ये सब खा रहे हैं जी। तो ये टेबल सेट हो गई है और मैं स्पेशली इस रूम में आई कि इससे पहले कि ये बच्चे सारे अटैक करें जिन्हें चुप कराया जा रहा है, मैं ये अपनी टेबल की वीडियो बना लूं कि भाई खाना लग चुका है और अब हम सब बैठ के डिनर करेंगे। कौन है? फुप्पो। चलो जी, बच्चों को याद भी हो गया मैं कौन हूँ, फुप्पो हूँ। और अब बैठ के बस अब फुप्पो के साथ ही खाएंगे खाना। ये मेरे चचा जी आ गए, देसी चचा। ये मैं थोड़े देसी थोड़े विलायती। ये चचा जी आ गए वर्कशॉप करके, नमाज पढ़ के कजन भी सारे देसी। और अब ये खाएंगे खाना। बच्चों की तबीयत अच्छा जी, हमने खाना वाना खा लिया और चाय मुझे पीनी थी लेकिन गैस नहीं है, तो गैस ना होने की वजह से अब हम बाहर निकले हैं और बाहर जाके कहीं चाय शाय पीते हैं, बैठते हैं, वॉकशॉप करते हैं। क्योंकि इनका ये देखे ना, इतने मज़े का ये एरिया है। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि कराची के और इस्लामाबाद के DHA में कितना फ़र्क है। ये DHA देखें और एक उधर का DHA देखें, लेकिन चले वहाँ भी बेहतरी आ ही जाएगी। बस अब थोड़ी वॉकशॉप करेंगे, सारे लोग पीछे रह गए, मैं इधर आगे निकल गई हूँ। अब वापस जो है ना मैं इनको लेके आती हूँ, फिर चलते हैं भाई। अभी बच्चे जो है ना वो ये मना कर रहे हैं मेरे चाचा, बच्चे नहीं जाएंगे साथ। हैं बच्चे नहीं जाने? बच्चे ही हमारे खानदान के बच्चे, बहुत नटी बच्चे हैं। ये हमारे खानदान के नहीं, बच्चे सब जगह से ही होते हैं, बच्चे सब जगह से होते हैं। चाचा जो है वॉक करेंगे, चाचा की जो बेगम है वो गाड़ी में जाएंगी क्योंकि ये ज्यादा वॉक नहीं कर सकते। तो बस अब यही हो रहा है, कुछ गाड़ी में कुछ पैदल और कुछ को जाने से मना। चलो जी, वॉक करते करते मैं यहाँ आ गई हूँ, कुछ लोग गाड़ी में आए हैं तो इनका वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जी कितना मज़े का इनका ये इस्लामाबाद का DHA है, DHA फेस 2 है ये। और बड़े मज़े मज़े के यहाँ पर ये नमक मिर्ची मैकडॉनल्ड, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इधर। तो हम बैठेंगे चाय के लिए, है ये कुछ चाय पीनी है मुझे, चाय के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ। अभी मैंने आते हुए एक नाम तो पढ़ा था, अब बस मेरे चचा आ जाए ना वो मुझे बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है वो वॉक करते हुए आए, मैंने थोड़ी सी वॉक की उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई। तो मैंने भी कोई ख़ास वॉक नहीं की है क्योंकि मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि तुमने हील पहनी है तो वॉक ना करो। तो बस अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर हमें ज्वाइन करेंगे। चाचा नौजवान 50 साल के, चल चल के आ गए। यस 25 ईयर्स ओल्ड ये वॉक करके हैं। 66 इयर्स ओल्ड बट लुकिंग लाइक 25। हां लुकिंग लाइक वाओ। आई कैन परफॉर्म
वेरी वेल एज ऑफ 25 इयर्स ओल्ड यंग बॉय. ये वॉक करके आए और हम गाड़ी में बैठ के आए. अब दिस इज द डिफरेंस. सही सही कह रहे हैं. द ओल्ड मैन एंड द यंगस्टर्स. मुझे ये पता है चाय किधर पिला रहे हैं. चाय क्या करनी थी. नहीं चाय पीनी है मुझे. हम तो सादा लोग लस्सी पीने वाले लोग. ना लस्सी वस्सी कोई. लस्सी पिला दे. चले हम लस्सी लेके कहाँ जा रहे हैं. मुझे जगह का नाम अभी आए ना. सही ना. ये है क्वेटा केतली के नाम से मशहूर है. ये मेरे एक एयरफोर्स अफसर दोस्त हैं. ब्रदर अफसर हैं. उनके जो सनी है कि ये जो पुलिस आपके दोस्त एयरफोर्स रिटायर्ड हैं. यस अच्छा मेरे मुझे बड़ी मजे की जगह पर लेकर आए. देखो झूले झूलते रहो साथ चाय पियो. क्या कह रहे थे चाय कॉफी. कोयटा केतली भाई. कोयटा केतली के नाम से है ये फेस टू डी एच ए फेस टू में. और बड़ा मजे का यार इनका एम्बियंस देखे कितना अच्छा है. सॉरी हाँ वो मैकडॉनल्ड के बराबर में भाई. आपको इधर आना है बहुत अगर एंजॉय करना है. मजे से चाय पीनी है. अभी हम चाय का ऑर्डर करेंगे फिर उसके बाद यहाँ की चाय कैसी है वो बता. चले जी चाय में यहाँ पे पी रही हूँ. और मैंने सुना है कि यहाँ पे लस्सी भी बहुत मजे की है. पहले मैं ये चाय खत्म करूंगी थोड़ा सा वक्फा उसके बाद लस्सी भी ट्राई करूंगी. ठंडी ठंडी लस्सी घर में मेरा चाय लस्सी और ठंडी ठंडी लस्सी. कभी आपने सुना है किसी ने इस तरह पिया है. बहुत मजे की है बहुत ही ज्यादा. मतलब चाय का अपना ही टेस्ट था. लस्सी जो है ना वो बहुत अमेजिंग. चाय वाय पी के हम आ गए. मैंने कहा था बच्चों के लिए आइसक्रीम तो अब हम आए हैं आइसक्रीम के लिए. और बच्चे खाएंगे आइसक्रीम. और मैं यहाँ पे खूबसूरत से इस गार्डन में थोड़ा सा वॉकशॉप करूँगी. इतना कोई मज़े का लग रहा है ना. और मैं बस एक ही चीज़ ये सोच रही हूँ कि इतना फ़र्क क्यों यहाँ के और वहाँ के डी एच ए में. फ़र्क क्यों. ये फेज़ टू है इनका. और कराची वाला फेज टू भी देखा है सबने. इतना अच्छा बहुत ही प्यारे मज़े मज़े के फैमिली पार्क्स हैं भाई. आप आए बैठे हैं बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पे इंजॉय करें. वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं. वॉकिंग ट्रैक्स पे आप लोग वॉक करें. मतलब बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बस अब आइसक्रीम खाएंगे बच्चे फिर हम घर जाएंगे. फिर क्या है अभी तक मुझे नहीं पता क्योंकि घर तो वापस जाना है. नहीं घर तो जाना है. घर जाना है. हाँ तुम ना जाओ हमें तो जाना. क्या चाहिए. कौन सा गेम चाहिए. हैं पुजु खेलते है. कौन सा खेलते गेम. सारे गेम खेलते हैं. पुजु गेम नहीं हम नहीं जाओ जल्दी. हाँ हैं आपकी वीडियो बनाओ. चलो जी फरमाइश आई है वो चेक करो. कुछ कह रहे हैं बनाए कुछ भाग रहे हैं. मेरी समझ से बाहर है करना क्या है. कुछ मेरी वीडियो देख के मैं कैमरा ऑन करती हूँ भाग जाते हैं. कुछ मुझे कहते हैं कि मेरी वीडियो बनाएं. ये देखिए सारे अभी जो है ना ये देखो ये चल रहा अभी. इनको चेक करें आप जरा कि किस तरह आइसक्रीम खा रहे दोनों. ये लाइट के सामने क्यों बैठे हो दोनों. हैं बस हैं. इस लाइट से क्या मिल रहा तुम दोनों को. हाँ क्या मिल रहा. हवा मिल रही है. अरे चेक करो. मतलब आप चेक करें कि हमारे जो फैमिली के बच्चे हैं उनको लाइट से हवा मिल रही है. उनको इस लाइट में हवा नजर आ रही है. हवा आ रही है. चलो बैठे रहो बैठे रहो. मैं नहीं तंग कर रही. चले नहीं आइसक्रीम आ गई है. और मैं ना सब सब लोगों को मैंने स्टॉप किया है कि मैं पहले वीडियो बना लूँ उसके बाद. और सारे मुझे देख रहे हैं कि जल्दी करो उसके बाद हम ये खाएं. चलो जी अब ये सब खाएंगे.
नहीं बस अब मैं निकल रही हूँ और मैं इनको अल्लाह हाफिज करूंगी और आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज करूंगी, क्योंकि अब पीछे बच्चे हमारे रो रहे हैं कि आज इधर ही रुको, लेकिन हम घर निकल वो ही ना, तो इसलिए हमने निकलना है, बच्चों की जिद गलत है, बस अब हम जा रहे हैं, आप लोग भी जा सकते हो और इन लोगों से। नहीं नहीं बात कर रही हूँ, पंजाबी आ गई।